लीनियर मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज बहुत कठिन टॉपिक है यार ये तो। अब मैं गुरु जी आए तो पूछी तो उनसे क्या लिखा है, कैसे समझ में आई क्वेश्चन, बहुत कठिन लगा था ये तो। सबके पास मोबाइल है, ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, हमारे पास नहीं, हम नहीं पढ़ पाए थे। हे ब्रो कहाँ? हे डाउन मार्केट गो बैक। गुरु जी ने कहा था जो पहले आएगा वो यहाँ बैठेगा। पहले ले कुछ नहीं, कहाँ आके बैठे? पीछे चलो चलो। यार ब्रो मैंने अपने डैड से बोला था किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करवाएं, इतने चीप लोग के साथ मुझे नहीं पढ़ना। सही कह रहे यार, यार घर वाले किसी की सुनते ही कहाँ है। वही तो ब्रो। अरे यार ब्रो मलिक कहाँ रह गया? अरे वो हमेशा की तरह लेट हो गया यार, तुम कॉल करो मलिक के पास। यार ब्रो Yeah bro, where are you? We are waiting. Come fast bro. Just wait a 5 minute. I'm coming bro. Yes yes, I'm coming. Hey bro, what's up bro? क्या हाल है bro? Bro क्या हाल है? सब बढ़िया bro? Bro बैठो ना। ये इधर बैठा। ओए चल चल उधर चल चल। पे यार मुझे इसके पास बैठना पड़ेगा। अरे बैठ जा bro। Bro मैं इसीलिए कोचिंग नहीं आ रहा था bro। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। बैठो बेटा बैठो। सो स्टूडेंट्स हम लोग कहाँ पर थे? वर्क एनर्जी थ्योरम पे, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। बेटा तुम कहाँ थे इतने दिनों से? अरे सर वो एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन चला गया था, डैड के कुछ बिजनेस के सिलसिले में। अरे बेटा अभी बिजनेस के पीछे मत भागो। yes, अभी जब बिजनेस में फंस जाओगे तो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे, और ये जो डैड का बिजनेस है ये डैड को ही संभाल ले दो। अब जैसे कि आज बिजनेस की बात आ ही गई है तो चलो आप लोगों की फ्यूचर की बात कर लेते हैं। सर आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। दूसरों के ऊपर हंसना तो बहुत आसान है, लेकिन एटलीस्ट उससे पूछो तो वो क्या बनना चाहता है। तुम बताओ बेटा क्या बनना चाहते हो? सर मैं पहले एक अच्छा इंसान बनूंगा और इनके जैसे लोगों को बताऊंगा कि हमारे जैसे लोग उत्साह कैसे रहा जाता है। सर आपको पता है जब आप नहीं आए थे तो मैं यहाँ बैठा हुआ था, ये लोग जैसे ही यहाँ पर आए इन्होंने मुझे पीछे भेज दिया, मेरी इंसल्ट की, मेरी कोई हेल्प नहीं करते ये। अगर मैं मोबाइल में देख के पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मुझे वहाँ से हटा देते हैं। ये लोग मेरे साथ क्या नहीं पढ़ेंगे, मैं इनके साथ नहीं पढ़ूँ? अरे नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, ये सब बच्चे हैं, नादान हैं, नादानी में तुम्हारे मजाक उड़ा रहे थे सिर्फ, तुम्हारे साथ सीरियस कोई नहीं है। बस अभी इन लोगों को पता नहीं है कि एजुकेशन और मनी की वैल्यू क्या है। ये जब समझदार हो जाएंगे, जब आगे जाएंगे तो इनको समझ में आएगा कि आज कर क्या है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी पेपर वेट के साइंटिस्ट बने, और अगर उसी तरह गांधी ना होते, अम्बेडकर जी ना होते तो आज हमारा देश आजाद ना हुआ होता। हमारा देश संविधान से चलता है। 26 जनवरी 1950 में हमारे देश में संविधान इसलिए लागू हुआ ताकि हम सब में इक्वालिटी आ सके। और आप लोग ये छोटी छोटी बातों को लेकर डिफरेंसेस की बातें करते हैं। नो सर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं बदला। जैसे अम्बेडकर जी के टाइम पे उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया था, वैसे हमारे जैसे लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। जब तक इनके जैसे छोटी सोच वाले लोगों को बदला नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। हम सबको गांधी और अम्बेडकर बनना पड़ेगा तब हमारा देश सुधरेगा, वरना ये भेदभाव की प्रथा ऐसे ही चलती रहेगी। सॉरी भाई आज मुझे पता चल गया कि कोई इंसान छोटा है बड़ा नहीं होता, सब एक होते हैं। सर अब आज से हम सब एक साथ रहेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। यस सर वेरी गुड, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे और मेरा देश हमेशा मिलजुल कर रहे। यस सर। लेट्स गो एंड जॉइन विद अस लर्निंग एजुकेशन फॉर यू।